नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर लगाए गंभीर आरोप, मचा हड़कंप। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी पत्नी से शादी कर चुके हैं और दूसरी शादी से उनका बेटा भी है। चौटाला ने शशि द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत देहरादून में पर्यावरणीय अदालत के समक्ष दायर शिकायत दस्तावेज का विवरण भी दिया है, जिसमें खुद को हुड्डा की दूसरी पत्नी होने का दावा किया था। हुड्डा ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके समर्थकों की ओर से इसे चरित्र हनन का मामला बताया है। अभय चौटाला ने कहा है कि उनके पास एक कोर्ट हलफनामा है, जिसमें देहरादून के प्रेमनगर निवासी शशि ने 13 दिसंबर 2013 को देहरादून फैमिली कोर्ट में 11 नवंबर 1992 को अपनी शादी बहाल करने की गुहार लगाई थी। हलफनामा शशि 1988-89 में यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय विपक्षी दल में वरिष्ठ नेता थे। भूपेंद्र सिंह ने शशि को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और दोनों मिलने लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शशि को शादी का झांसा देकर अपने प्रभाव में लिया और नई दिल्ली के जनपथ होटल में उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। शशि के बाद में पता चला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शादीशुदा है और उनकी पत्नी और उसका एक बेटा भी है। शशि ने कोर्ट में दायर मुकदमे में कहा कि जब उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस फर्जीवाड़े के बारे में बात की तो उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में बात की और कहा कि वे आशा से तलाक लेने वाले हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घरवालों पर दबाव बनाकर शशि की शादी दूसरे व्यक्ति से करवा दी, लेकिन वह शादी नहीं चली। शशि ने अपनी शिकायत में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। 11 नवंबर 1992 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिरादरी के रीति रिवाजों के मुताबिक दिल्ली में शशि से शादी की। शशि ने अपनी शिकायत में बताया कि 1 फरवरी 1994 को भूपेंद्र सिंह से शशि को बेटा हुआ। याचिका में शशि ने अपना वर्तमान पता प्रेमनगर देहरादून दिया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वैसे तो वे किसी के पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन विधायक होने के नाते उनके पास ये दस्तावेज आए हैं। यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री हुड्डा को तुरंत पद से हटाना चाहिए और सच्चाई सामने लाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।